currently not reachable. Please try again later. Thank you. हाँ कुछ भी आप कैसे एग्जाम्स चल रहे हैं आपके? हाँ ठीक ही चल रहे हैं। अच्छा रंजना सुन, ये पिंकी का नंबर बंद क्यों आ रहा है? दीदी ने आपको बताया नहीं, उन्होंने अपना नंबर चेंज किया है, इसलिए शायद ऑफ आ रहा होगा। क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा तो बोला कैसे उनका मन हुआ। ये पिंकी के टेस्ट कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक ही जा रहे हैं। रंजना सुन, ये पिंकी का नया नंबर जरा मैसेज कर दे। पिंकी आराम से जाना, अरविंद गाड़ी संभाल के चलाना। अरे आंटी जी, मुझसे अच्छा ड्राइवर आपको पूरे हरियापुर में नहीं मिलेगा। बाय, ध्यान से लिखना। पापा, बाय पापा। अरे पिंकी बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कुछ बेटा, आप जरा घर आएंगे चाचा जी? यो क्या हुआ? मम्मी पापा पिंकी रंजना सबको फोन ट्राई कर रहा हूँ, इतनी देर से कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कहीं बाहर गए होंगे। मेरी कल ही बात हुई थी, कहीं बाहर बार जाने की बात नहीं करी किसी ने, और अगर कहीं बाहर गए भी हों तो फोन ना उठाएं। अजीब बात है ना, टेंशन हो रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, एग्जाम के टाइम पे टेंशन मत लो तुम, हम अभी घर जाते हैं और फोन पे बात करवाते तुम्हारी, ठीक है? अंदर अंदर है सर। सर ये मेरे सर ये बड़ी बेटी इनकी। उनके बड़े बेटे अंकुश का फोन आया हमारे पास लखनऊ से, वो बैंक का पीओ का एग्जाम देने गया हुआ है। उसने बोला घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है, देख के आ जाइए। और जब हम यहाँ आए तो जब आप आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था? हाँ खुला था साहब। कमरे का लॉकर खोला गया है पर गहने पड़े हैं उसके अंदर, शायद कैश गायब हो। अब क्या गायब है क्या नहीं ये तो अंकुश ही बता सकता है, वो लखनऊ से यहाँ के लिए निकल गया है। ये जो पेट्रोल का कैन है ये इनके घर का ही है? मुझे पता नहीं साहब। तो चारों विक्टिम्स के मोबाइल फोन मिले, किसी के पास दूसरा फोन है तो पता नहीं। और कुछ? सर लगता है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दोनों लड़कियों पर? यस सर, दोनों लड़कियों पर। चारों को छुरे से मारा गया, शायद चिल्लाए होंगे। हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और वैसे भी हमारा घर इतना पास थोड़ी ना है सोहन जी के घर से।
हम तो पंचम जी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे वो। मैडम मैं अरविंद कुशवाहा, हमारी अच्छी जान पहचान थी सुहन अंकल की फैमिली से। हम हरियापुर से नहीं, बगल के गांव सारंगढ़ से। ये मेरा फ्रेंड है गुड्डू। कल रात सारंगढ़ में हमारी एक दोस्त की बहन की शादी थी, हम वही थे। जैसे ही पता चला कि सोहन अंकल के घर हुआ ये कांड, हम तो दौड़े दौड़े आ पहुंचे। बहुत ही भयंकर अटैक हुआ है सर। बहुत ही अजीब बात है, आस पड़ोस में किसी ने कुछ नहीं सुना। तो क्या इन चारों पर एकदम से एक साथ अटैक हुआ होगा? नामुमकिन लग रहा है सर, पर साथ में दोनों लड़कियों का शायद रेप हुआ है। नंबर वन, ना ही दोनों को बांधा गया है, और नंबर टू, ना ही दोनों के मुंह में कपड़ा ठूसा गया है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आस पड़ोस में किसी ने कुछ भी नहीं सुना? सर ये किसी एक बंदे का काम नहीं लगता, घर में जबरदस्ती एंट्री के कोई निशान नहीं है। तो क्या ये लोग दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुए होंगे? मुझे पेट्रोल की कैन खटक रही है, किस इंटेंशन से पेट्रोल लाया गया होगा? मर्डर और रेप करने के बाद क्या लाशों को जलाने का प्लान था, या फिर पूरे घर को फूंकने का प्लान था? और अगर ऐसा था तो प्लान अधूरा छोड़कर ये लोग क्यों भागे? इंस्पेक्टर, दोनों लड़कियों का रेप हुआ है, गैंग रेप। दोनों ने फाइट बैक की कोशिश की होगी, स्ट्रगल के निशान मिले हैं बॉडी पर। फिर तो बचाव के लिए दोनों लड़कियां चिल्लाई भी होंगी, लेकिन पड़ोस में ऐसा किसी ने कुछ नहीं सुना। अजीब बात है, दोनों लड़कियों के गैंग रेप के अलावा बार बार स्टैबिंग्स भी हुई है। बड़ी बहन पिंकी को 8 बार स्टैब किया गया है, छोटी बहन रंजना को 6 बार, मदर गायत्री को 9 बार, और फादर सुहन के बॉडी से 11 स्टैब वुंड्स मिले हैं। डॉक्टर कब हुआ ये? इन्हें यहाँ लाने के 8 से 9 घंटे पहले, मतलब रात 12:30 से 1 बजे के बीच में मर्डर्स हुए होंगे। हमें चारों विक्टिम्स के पेट में से अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला है। चाचा जी ने सब बताया मुझे, सबको बुरी तरह से। हाँ अंकुश, बहुत बुरी तरह से। पिंकी और रंजना मेरी दोनों बहनों को। हाँ मैडम जी, हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं। सोन भैया की दुकान भी है, वो खाद वाद और खेती का सामान बेचते थे। पिंकी दी फर्स्ट ईयर बी कॉम पढ़ रही थी और रंजना 11वीं में थी। पंचम जी, अंकुश सिर्फ हमें इतना बता पाया है कि कुछ 25,000 के करीब कैश रहा होगा लॉकर में, लेकिन गहने मोबाइल फोन सब छोड़ के गए हथियारे, और जिस तरह से दोनों लड़कियों का सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, ये सिर्फ लूट का मामला तो नहीं लगता है। तो ऐसे पंचम जी, अंकुश हमें किसी भी दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं बता पाया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसने बदला लिया होगा और किस बात का? मैडम जी, ऐसा बदला भी कोई ले सकता है? कुछ 4 दिन पहले 3 जून को लखनऊ गया था बैंक एग्जाम देने के लिए, इसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, शॉक में है अभी। चारों विक्टिम्स के फोन्स का क्या स्टेटस है? 6 जून की रात को किसी की किसी से बात हुई थी जो मैं लीड दे सके? सर सोहन और गायत्री के फोन्स अनलॉक थे, लेकिन उनके फोन से कोई भी सस्पिशियस कॉल नहीं किया गया, ना इनकमिंग और ना आउटगोइंग। और पिंकी और रंजना के फोन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, उन्हें खुलवाने के लिए भेजा है। वैसे इन चारों के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। वो लोग जो भी थे उनका मकसद क्लियर था, पूरी फैमिली का खात्मा। अंकुश इसलिए बच गया क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं था। अंकुश के लिए प्रोडक्शन प्रोवाइड करो। मैडम इतना खुखार कांड हुआ है गांव में, किसी ना किसी ने तो उन कमीनों को देखा ही होगा, आते हुए या फिर भागते वक्त। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है, लेकिन फिलहाल तो पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। दाल में कुछ तो काला है मैडम। बिल्कुल, पर फिलहाल वो पेट्रोल कैन छोड़ के गए, ये पेट्रोल आया कहाँ से पता कर जाता। मैडम आप लोग सोच रहे हैं इस सोहन की कोई दुश्मनी रही होगी किसी से, तो वो तो पूरी फैमिली को साफ कर देते, लेकिन दोनों लड़कियों का गैंगरेप इस एंगल में फिट नहीं बैठता है। पेशेवर खूनी तो सिर्फ खून करते हैं। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा कि पेशेवर खूनियों ने मौका देखा और अपने खुद के खून में बह रहे हवस को मिटाया हो। सुपारी मार्केट में पता कर कौन थे ये वैशी। हमारे हरियापुर में ये जो कांड हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ है सर।
पूरे गांव में चर्चा चल रही है साहब, डकैतों का कोई गिरोह है। सरपंच लखन जी, रमेश जी, हमने भी इस इलाके में ऐसा पहली बार देखा है। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फौरन गिरफ्तार कर लीजिए उनको। आप लोगों की मदद लगेगी रमेश जी। वो लोग कौन थे, कोई गिरोह था या फिर ऐसा कोई जिससे सोहन जी की दुश्मनी थी? हम लोगों को इसकी तहकीकात करनी है। और हमें पता चला है कि आप लोग हाईवे पर चक्का जाम करने की सोच रहे हैं। विनती है आपसे, ऐसा ना करें। साहब, घर घर में दहशत का माहौल है। तो वो डकैत थे, धड़ल्ले से घर में घुस गए। आप में से किसी ने देखा क्या कि वो डकैत थे, जो बार बार डकैत थे कहीं जा रहे हो? देखिए, हम लोग पूरी की पूरी रात गश्त पे रहेंगे। ऐसा कभी कुछ ना हो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बाधा तो ना बने। पहली प्रायोरिटी है अंकुश, वही हमें बता सकता है कि फैमिली को किसने धमकी दी थी। क्या सर, अंकुश को थाने बुलवाया। सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी लिस्ट बनाओ, राउंड ऑफ शुरू कर दो। अगर कोई हिस्ट्री शीटर है भी तो वो सिर्फ एक जरिया होगा, करवाने वाला कोई और ही होगा। कोई ऐसा जिसे जायसवाल फैमिली से भयंकर नफरत हो, वो जो भी है अंकुश हमें बता सकता है। चाचा जी, ये सब उस ब्रजभान शर्मा का ही कराया होगा। ब्रजभान इतना गिर सकता है? इतना? खेतों की बाउंड्री को लेकर झगड़ा था हमारा और ब्रजभान शर्मा का। ब्रजभान ने अपने खेत में ऐसा बांध बनवा दिया था सर, जिससे नहर का पानी हमारे खेतों तक ना पहुंचे। पापा और मैंने कई दफा उससे बात करने की कोशिश की थी, उसे समझाया, लेकिन हर बार कहता मेरे खेत हैं, कुछ भी करूं ब्रजभान और उसके बेटे बबलू और सुरेश ही जिम्मेदार हैं। धर लो ने सर आप। ब्रजभान शर्मा ने बांध भी नहीं हटाया और उसने और उसके बेटे बबलू और सुरेश ने ये कांड भी किया। वो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसका बनाया हुआ बांध तोड़ दिया था सर। वो बांध नहीं था ब्रजभान जी, वो आप लोगों की बेईमानी का सबूत था। तो हाँ, वो हमने तोड़ दिया। ए अंकुश, सोहन, अरे बेईमानी तो वो थी जो तुम लोगों ने की, हड़प लिया हमारी जमीन का हिस्सा। ब्रजभान, वो मसला आप कोर्ट में है और कोर्ट ही उसका फैसला करेगा, लेकिन तुम लोग इस तरह पानी नहीं रोक सकते। क्यों क्यों नहीं रोक सकते? और इस मामले में आपको इतनी दिक्कत है, इसे भी कोर्ट में ले जाइए ना, और देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है आप लोगों की इस हरकत के बारे में। कला रात को चोरों की भांति घुसकर बांध तोड़ा आप लोगों ने। रातों रात चोर की तरह बांध बांधे थे तुम लोग, वो चोरी नहीं थी हैं? अरे हमारे खेत में हम बांध बनाए या ताजमहल, तुम लोगों की औकात नहीं है मुंह खोलने की, समझे आप? अरे हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारा पानी। अरे वाह रे वाह, हमारा पानी, पानी नहर का है और नहर सबकी है। हाँ तो नहर से खींच के निकाल लो ना पानी, रोका किसने आपको? ए अंकुश और सोहन, अगर आइंदा तुम लोगों ने हमारी जमीन में घुसकर ये ऐसी हरकत की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह देते हैं। ब्रजभान जी, आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? नहर में पानी नदी से आता है और नदी में पानी बारिश से भरता है। अब बारिश का हिसाब किताब करेंगे, हिस्से बनाएंगे आप, कल को बादल का भी बंटवारा करेंगे। जो है सबका है, और रही बात जमीन, तो वो सालों पुराना मसला कोर्ट में चल रहा है ना, उसे पानी के साथ जोड़ना कहाँ की अकल है जी? क्या हमें अकल कम है या तुम्हारी पिद्दी सी बिटिया हमें अकल बांटेगी? बे अंकुश, तू ग्रेजुएट क्या हो गया, जिले का डीसी नहीं बन गया समझे? बांध बांधने में जितने पैसे लगे थे हमारे, सारे के सारे पैसे वापस करोगे आप लोग, वरना भूलना मत जिस तरह से चोरों की तरह घुसकर तुमने हमारा बांध तोड़ा था ना, वैसे ही चोरों की तरह घुसकर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। पिंकी, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कुछ गलत बोला पापा? गलत वक्त पर बोला पिंकी, गलत जगह पर बोला। जब गलत हो तब के तब आवाज उठानी चाहिए ना भैया। बेटा तुम अभी छोटी हो, ऊपर से लड़की हो। माना मैं छोटी हूँ पर बालिग हूँ, और रही बात लड़की होने की, तो आप तो ऐसा ना कहो, फिर हमें पढ़ा क्यों रहे? बांध तो दोबारा नहीं बनाया उन लोगों ने, लेकिन धमकी जरूर दी थी। ये ब्रजभान मर्डर और गैंगरेप करवा सकता है? और कौन हो सकता है सर, हरियापुर में हमारी सिर्फ ब्रजभान शर्मा से लड़ाई है सालों से। हाँ मैडम, मैंने और गुड्डू ने मिलकर अंकुश की हेल्प की तो थी बांध तोड़ने में, लेकिन ब्रजभान शर्मा
बबलू और सुरेश के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत करेगा, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर अरविंद, रंजिश तो तगड़ी थी, नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने का पूरा इरादा था उनका। जाहिर है ना मैडम। अरे अरे, उन लोगों ने हमारा माली नुकसान किया था तो हम लोग उनका माली नुकसान ही करते ना, ये जानवर लेने पे क्यों उतरते हम लोग? और सर, गैंग रेप मतलब आपने हम लोगों को समझ क्या रखा है? सर, हम लोग इज्जतदार मेहनती किसान आदमी हैं। सोहन जी और अंकुश से हमारी लड़ाई हुई थी, इसलिए आप लोग हमें फंसा रहे हैं इस कांड में। सर, फंसा नहीं रहे, तुम लोगों का नाम लिया गया। अरे अंकुश तो सदमे में है, पर आप लोग तो होश में हो ना? हम लोग तो होश में, पर आप अपने बदले के जोश की बात कीजिए। विश्वान शर्मा जी, बताइए हमें, सोहन जायसवाल के घर को पेट्रोल से जलाने का प्लान क्यों ड्रॉप किया गया? जमीन का मामला तो हम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना साहब, तो हम खुनून करने की क्यों सोचते, और ये घर जलाने की क्यों सोचते हम लोग? सबूत मिटाने। सबूत तो आप लोग जुटा नहीं पा रहे हो, इसलिए बलि का बकरा हमें बना रहे हो। इसके पहले कि सबूत जुटाने के लिए हम एक उंगली भी उठाएं, आप लोगों की तरफ उंगली उठी है सामने से, और किसी की तरफ नहीं। अब सीधे सीधे बोलो, बांध ढूंढने के बाद क्या हुआ था? सर, हमें सोहन जी और उनके बेटे अंकुश पर गुस्सा था, जबरदस्त गुस्सा। हमने और बबलू ने सोचा भी था कि अंकुश की हरकत का ना मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर सर हम इतना भद्दा काम नहीं कर सकते। सर, हम ज्यादा से ज्यादा उनके खेत में सुअर छोड़ देते बस। सर, हम बेवकूफ नहीं है कि इतना बड़ा कांड करें और ऊपर से झूठ भी बोल दें। आप लोग बेवकूफ हैं सियाने, अभी नहीं, बाद में तय करेंगे। अभी सिर्फ इतना तय कर लो कि आप लोगों में से पूरा सच कौन बोलेगा, कोई अकेला या फिर तीनों मिलकर? ये नाइंसाफी है सर, आप हमें से रोक नहीं सकते, कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। सर, हमने कुछ नहीं किया, ये अंकुश बेवजह हम पे इल्जाम लगा रहा है। सर, पूरे गांव को ब्रिजवान शर्मा परिवार और जयसवाल परिवार दोनों के झगड़े के बारे में मालूम था। तीनों बाप बेटे काफी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बेगुनाह। ब्रिजवान, बबलू और सुरेश तीनों के फोन रिकॉर्ड मंगवाए, अपने खबरियों से कहो कि पता लगाएं कि ये कांड इन तीनों ने किया है या फिर और लोग भी शामिल थे, फिर देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कब तक टिका रहता है। सोहन जयसवाल पेट्रोल बेचता था? हाँ मैडम, वैसे कोई खुलकर नहीं बोल रहा है गांव में, लेकिन मैंने हाईवे के पेट्रोल पंप से पता किया। भाई, हम कैन या बोतल में पेट्रोल बेचते ही नहीं हैं, और 6 तारीख की रात को कोई पेट्रोल मांगने आया भी नहीं था। हरियापुर और सहारनगढ़ के बीच तुम्हारा एक ही पेट्रोल पंप है। अब ये कहाँ लिखा है कि पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही बिकता है? दोनों गांव के बहुत से लोग जानते हैं कि हरियापुर का सोहन जायसवाल चुपके से पेट्रोल बेचता था, वो भी अपना मुनाफा लगाकर। 99% मैडम, वो पेट्रोल का कैन सोहन जायसवाल की दुकान से ही था, शायद घर के बाहर रह गया हो। हाँ सर, ये पेट्रोल का कैन तो हमारी दुकान का ही है, लेकिन हम ऐसे कभी बाहर नहीं छोड़ते, पता नहीं आप लोगों को बाहर कैसे मिला ये। अंकुश, दुकान तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए। सर, मैं कबूल करता हूँ कि हम लोग जो ये पेट्रोल बेचने का काम कर रहे थे वो गैर कानूनी था, लेकिन इतना भी पक्का है कि सर हम वो कभी घर पे नहीं रखते थे। अंकुश, क्या कुछ ऐसा है जो तुम भूल रहे हो, जो शायद हमें बताना चाहिए? ब्रिजभान और उसके दोनों बेटे बबलू और सुरेश, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। 2 दिन से हम तीनों को खूब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों में से कोई नहीं टूटा है। तीनों का कहना है कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिता सोहन जायसवाल की किसी और के साथ दुश्मनी थी? कोई और कारण हो सकता है इस हत्याकांड का? रामना समझ भैया, हमारी डकैतों की बिरादरी हंसती। मर्डर और गैंग रेप में हंसने जैसा क्या समझ भी है? दुनिया डकैतों के बारे में चाहे कुछ भी समझे, लेकिन डकैतों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। हमारे हाथ जनानियों की तरफ सिर्फ जेवर लूटने के लिए बढ़ते हैं, इज्जत नहीं। जेवर तो लूटे नहीं गए सोहन जायसवाल के घर से। वही तो, अगर डकैत होता तो इतनी पिद्दी सा रोकड़ा लेकर गायब नहीं होता। और तो और, अगर धावा बोलना ही होता तो पड़ोस के सहारनगढ़ पर बोलते, जहां उसी रात शादी हो रही थी। इलाके के छोटे बड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स की हाथ धोकर पूछताछ हुई, पर हाथ लगा कुछ नहीं। दूसरी ओर पिंकी जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स बड़े अजीब निकले, पर बड़े काम के साबित हुए। पायल सर, ये पिंकी जायसवाल बड़ी बेटी, इसके कॉल रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही दिन के, 5 और 6 जून। इनफैक्ट 5 तारीख को इसका नंबर एक्टिवेट हुआ था। सर, पिंकी के पास कोई दूसरा नंबर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, शायद पिंकी के पास और कोई नंबर हो। इसके फोन में सिर्फ यही एक सिम था, और 6 जून की रात 12:45 बजे
इसे लास्ट कॉल अरविंद कुशवाहा का है, बाकी सारे कॉल्स फैमिली मेंबर्स के। हाँ सर, मैंने उस रात पिंकी को कॉल किया था। हमें बताया क्यों नहीं? आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं मुझसे, तो मैं क्या बताता। हमने तो तुझसे ये भी नहीं पूछा था कि तू सुबह कहाँ से आया था। तूने हमें खुद बताया था कि तू सहारनगढ़ में अपने दोस्त की बहन की शादी से आया था ये खबर सुनकर। अरे मैडम, वो तो आपके सवाल का जवाब था। आप लोगों ने ही तो पूछा था ना कि किसी को देखा या कुछ सुना, तो तभी मैं बोला कि हम सारंगगढ़ से, हरियापुर से नहीं, और तभी बस बातों बातों में शादी वाली बात निकल गई। तेरी पिंकी से रात पौने बारह को क्या बात हुई थी? सर उसका पिकअप टाइम फिक्स कर रहा था सर। कैसा पिकअप टाइम? सर पिंकी के टेस्ट चल रहे थे ना, तो मैं उसे कोचिंग सेंटर छोड़ने जाता था, बस वही जानने के लिए फ़ोन किया था सर। पिंकी कल कितने बजे आऊँ? नहीं यार, तू तो शादी के काम से रात भर थका रहेगा, कहीं नींद में बाइक ठोक वोक दी तो। मुझे टेस्ट से पहले मरना नहीं है। ऐसे मरने वरने की बातें मत किया कर। अच्छा मैं रोज की तरह 7:30 बजे आऊँ? नहीं सीरियसली, मैं चली जाऊँगी बस या ऑटो से। उसके बाद मैं रात भर शादी के कामों में लगा रहा, सुबह विदाई की तैयारियाँ चल रही थी जब ये बैड न्यूज़ आई। जून के महीने में कौन से टेस्ट चलते हैं? कॉलेज तो अभी शुरू हुए हैं ना। पिंकी के UPSC के सपने थे, तो उसी की कोचिंग क्लासेस जाती थी। सर उनके टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम। तो इस कोचिंग क्लास के टेस्ट के लिए तू छोड़ने जाता था डेली? डेली मतलब 5 और 6 जून को गया था मैडम। 7 जून को उसका आखिरी पेपर था, 3 जून को स्टार्ट हुए थे सर, तभी अंकुश छोड़ने गया था। उसके बाद वो अपने बैंक के एग्जाम के लिए बाहर चला गया, तो जाते जाते मुझे बोल कर गया था ड्रॉप करने के लिए। पिंकी अपने कॉलेज खुद जाती थी? हाँ। क्लासेस भी खुद जाती थी? जी सर। तो फिर टेस्ट के लिए ड्रॉप क्यों? कोचिंग क्लास वालों ने टेस्ट काफ़ी सवेरे रखा था, तभी काफ़ी सुनसान होता है सर। अब सर उन लोगों ने मुझे बोला छोड़ने के लिए, तो इसलिए मैं छोड़ता था सर। अंकुश दोस्त है, पिंकी दोस्त थी सर। पिंकी दोस्त थी? सिर्फ दोस्त थी, गर्लफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड ममता है सर, ममता त्रिवेदी, सारंगगढ़ में ही रहती है सर। 6 जून को मेरी उससे भी कई बार बात हुई। आप कहें तो मैं नंबर दूँ सर। जी सर, जब मैं लखनऊ में था तब उसने ये नया सिम खरीदा था। पिंकी कैसे पहले का नंबर? वो नंबर उसने यूज करना बंद कर दिया था। क्यों? मुझे नहीं पता सर, मुझे खुद बड़ा अजीब लगा था ये। मैंने रंजना को फोन किया था और उससे नंबर लिया था और फिर उसको कॉल किया। हाँ भैया, मेरे टेस्ट ठीक जा रहे हैं और अच्छे हो सकते थे। आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं? हाँ मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा पिंकी सुन, ये नंबर क्यों बदला तूने? उस नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी भैया। नंबर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे नहीं पता भैया, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम थी। अच्छा भैया सुनो ना, मैं आपको 2 बुक्स के नाम मैसेज कर रही हूँ, अगर आपको सेकंड हैंड मिले तो लखनऊ से आते वक्त लेते आएगा। मुझे लगा पिंकी ने नंबर वाली बात टाल दी थी, सोचा घर जाकर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जब आया तब। तुम्हें पिंकी का पहले का नंबर हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था। और एक बात, पिंकी को अरविंद ड्रॉप करता था उसी क्लासेस के टेस्ट के लिए, ये बात तुम्हें और तुम्हारे पापा को पता थी? हाँ सर। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों अरविंद ही क्यों? क्योंकि सर हम साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के कामों में मदद करते हैं। कोई बात है क्या सर? बात यह है कि 6 जून की रात 12:45 बजे अरविंद ने पिंकी को लास्ट कॉल किया, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। हाँ तो सर? तो कुछ नहीं, बस ये हुआ था। अरविंद का कहना है कि उसने पिंकी को इसलिए फ़ोन किया था ताकि वो पता कर सके कि सुबह उसे कितने बजे पिकअप करना है। हाँ तो उसी ने किया होगा सर शायद। पिंकी का पहले वाला नंबर दो। हाँ मैम, अंकुश जायसवाल को जानता हूँ मैं, पर अरविंद जितना करीब नहीं हूँ। उस दिन सुबह की खबर सुनकर तो हम सबके होश ही उड़ गए थे। अब आप ही सोचिए, इधर हम हमारी बेटी को विदा कर रहे हैं, उधर बाजू वाले गाँव में। दिलीप, अरविंद तुम्हारी बहन अमिता की शादी में मौजूद था रात को 12 बजे के बाद? हाँ मैम बिल्कुल था, पूरी रात था। भरत जी, सोहन जायसवाल के परिवार को आपने शादी का न्योता नहीं दिया? जी वो हमारी उनसे कुछ खास पहचान नहीं थी, बस ये बच्चे एक दूसरे को जानते थे, और फिर गांव भी तो अलग पड़ता है ना, हम सहारनगढ़ के और वो हरियापुर के। नहीं मैम नहीं, बिल्कुल नहीं, अरविंद और पिंकी का कोई चक्कर नहीं था। अरविंद की तो गर्लफ्रेंड है ममता, हमारे गाँव की है। पिंकी का किसी और के साथ कोई चक्कर, या रंजना का, या ऐसा कोई एक तरफा मसला? ये सब तो मुझे कुछ नहीं पता, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जायसवाल परिवार को अच्छे से जानता नहीं था।
हाँ अगर कोई जानता होगा तो वो अरविंद है। दोनों बहनें उसके बहुत क्लोज थी, हो सकता है कुछ शेयर किया हो। आप हम लोगों की और कस्टडी लेकर क्या क्या आचार डालिएगा हमारा? अरे इतने दिन तो रख चुके हैं, हाथ लात चला चुके हैं, हमारी पूरी बदनामी कर चुके हैं आप। सर उस रात को हम अपने घर में सो रहे थे, अगली सुबह जाकर हमें इस कांड की खबर मिली। अब जो कसम बोलोगे मैं खाने को तैयार हूँ, पर 6 की रात को मेरे पति मेरे बच्चे घर में ही थे। भले ही वो तीनों घोड़े बेचे घर पे सोए, पर इस बात की क्या गारंटी कि इन्होंने अपने किराए के आदमी ना भेजे हो जायसवाल परिवार के घर? मेरे पति और मेरे बच्चे ऐसा करना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैडम हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे ही बहुत तू-तू हो रही है पूरी बिरादरी में, पूरे गांव में। सर बबलू, ब्रिजबान और सुरेश तीनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, कुछ भी नहीं मिला। और सर 4 दिन से सबकी पूछताछ भी चल रही है, टूटने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और बारीकी से भी अगर कॉल लोकेशन ट्रैक करें तो भी बेमतलब, दोनों परिवार जायसवाल और शर्मा दोनों एक ही टावर की रेंज में। पर सर अंकुश के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी तक जो हमारे हाथ में है, इशारे तो शर्मा परिवार की तरफ ही जाते हैं। पर पिंकी का नया सिम कार्ड भी तो हमारी तरफ इशारा कर रहा है पहले। कत्ल के 2 दिन पहले पिंकी ने अपना सिम कार्ड क्यों चेंज किया? क्या इस नए सिम कार्ड का मर्डर और गैंगरेप कांड से कोई ताल्लुक है? सर फोन कंपनी से बात हुई, पिंकी के पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स कल सुबह 11 बजे से पहले हमारे टेबल पर होंगे। पिंकी के पुराने नंबर के रिकॉर्ड्स हमारे हाथ लगे, पर साथ ही कुछ सवाल और भी थे जो हमें कुरेदते रहे, जैसे कि वो पेट्रोल की कैन का रहस्य, वो दुकान से घर कैसे पहुंचा और क्यों। पर अंकुश हमें उस बारे में कोई भी सुराग नहीं दे पाया। पायल, अगर हम क्राइम सीन की स्टडी करें और क्राइम रिक्रिएट करें तो शुरुआत यहां मेन दरवाजे से हुई हो। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग दरवाजे पर आए होंगे और दरवाजे पर दस्तक दी होगी। और सर दरवाजा पिंकी या रंजना, इन दोनों में से किसी एक ने खोला होगा, क्योंकि माँ बाप की लाश तो अंदर बेडरूम में थी बेड के ऊपर, तब शायद वो सो रहे होंगे। वो जो भी थे, जितने भी थे, दरवाजा खोलने वाले को उस वक्त ये कतई मालूम नहीं था कि उनका असल मकसद क्या है, जो था पूरी फैमिली का खात्मा और दोनों बहनों के साथ गैंग। यस सर, वो जो भी थे जितने भी थे उनमें से कम किसी एक को पिंकी या रंजना, इन दोनों में से कोई एक तो जरूर जानता होगा, वरना उनके लिए दरवाजा अंदर से नहीं खोला गया होता। पायल, ये भी तो हो सकता है कि पिंकी या रंजना का बॉयफ्रेंड था, पेरेंट्स उसके खिलाफ थे और इस कत्लेआम की प्लानिंग में ये लड़की भी शामिल थी, लेकिन ऐन मौके पर खुद भी शिकार। मुंबई और बेंगलोर में भी इतने खुले ख्यालात के पेरेंट्स नहीं मिलेंगे सर जितने कि हमारे मम्मी पापा थे। हम तीनों में से किसी का भी कोई अफेयर होता तो वो कभी मना नहीं करते, या हमारा कुछ भी चल रहा होता तो हम सबसे पहले घर पर ही बताते थे। इतनी रात को पेट्रोल लेने कौन आया होगा दुकान बंद होने के बाद? ऐसे तो कोई नहीं आता था सर, लेकिन शायद हो सकता है किसी ने पापा को पहले से बोल के रखा हो कि रात में पेट्रोल लेने आएंगे, और इसीलिए पापा ने वो कैन अंदर रखा हो, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर। क्यों हुआ? मेरा बैंक का एग्जाम भी उसी दौरान क्यों था? काश मैं यहाँ पर होता कुछ करने, सबको बचाने। हाँ शिवा बोल। एसके कॉलेज मैडम, जहाँ पिंकी जायसवाल पढ़ती थी वहाँ से एक तगड़ी खबर है। बोल जल्दी। स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनकी एक फ्रेंड सरिता ने बताया कि पिंकी और उसकी छोटी बहन रंजना दोनों को कॉलेज के रास्ते में कोई परेशान करता था, पीछा भी करता था और छेड़ता भी था। कौन था वो? मुझे ही बोलते, मैं ही खुद दुपट्टा चाहिए, ये ले ले दुपट्टा। रंजना
अच्छा अच्छा ये ले कर दुपट्टा, नहीं चाहिए फेंक दूं? फेंक दे। क्या ही लो? कुछ नहीं, बहुत धूप है। मैंने तो देखा ही नहीं उसके बाद। बड़े इज्जतदार होने की बातें कर रहे थे सीना तान के, अब हलक में हाथ डालते हैं इनके। हेलो, हरियापुर थाने से सब इंस्पेक्टर शंकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। कहाँ का नंबर है ये? पीसीओ का है सर। हाँ, लेकिन कहाँ का पीसीओ है? सर, 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 सर। पीस सड़क पर पिंकी और उसकी छोटी बहन रंजना को छेड़ना, पीछा करना, स्टॉकिंग करना, उसके बाद दोनों बहनों के साथ गैंग रेप और फिर मर्डर। नहीं सर, हम खुद बताने वाले थे आपको इस बारे में। सर, हम बस बदला लेने के लिए छेड़ रहे थे, बाकी रेप और मर्डर हमने नहीं किया सर। जो दुपट्टा खींच सकता है वो रेप भी कर सकता है। नहीं नहीं सर, हमें उन लोगों पर गुस्सा था तो बस थोड़ी बेइज्जती करना चाहते थे उनकी सर। इस प्लान में कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ? तुम्हारा बाप? अगर मुझे जरा सी भी भनक होती कि मेरे बेटों ने ऐसा कुछ किया है तो कसम है कुलदेवता की मैं दोनों को भरे बाजार में पट्टे से पीटता। हमारा परिवार ये ऐसा है ही नहीं। रिजवान, तेरे संस्कारी मुखौटे पे इतने छेद हो चुके हैं ना कि कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि तू किस परिवार का है। तो चल, अब एक सांस में बता, इस मर्डर और गैंग रेप में किराए के हत्यारे थे या तू खुद भी शामिल था? ना मैं शामिल था, ना मेरे बेटे, ना हमने किसी किराए के हत्यारों को बुलाया। मेरे बेटों की जलील हरकत के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। सर, उस दिन जब हमारा अंकुश और उसके पिता से झगड़ा हो रहा था तो पिंकी ने बीच में बोला था, हम मर्दों के बीच, बुजुर्गों के बीच हमारे पिता की बेइज्जती की थी, तो बस हम उसे सबक सिखाना चाहते थे सर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था सर, पर सर हमें क्या मालूम था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हमें बस हमारी जमीन वापस चाहिए थी जो सोहन जायसवाल ने हड़पी थी। हम बस उसे परेशान कर रहे थे, कभी कभी बांध बना के, कभी सुअर कभी दुपट्टा खींच के, कभी गैंग रेप करके और कभी कत्ल करके। पिंकी की दिल्ली बात होती थी, लेकिन दिल्ली में तो हमारा कोई नहीं रहता। दिल्ली के एक पीसीओ से 4 जून को पिंकी के पुराने नंबर पर कॉल आया था और उसी दिन पिंकी ने अपना नंबर बदल लिया। उसके अलावा 444-567-898 इस नंबर पे पिछले 6 महीने से पिंकी की लगातार लगभग रोजाना ही बातें हो रही थी। फिलहाल ये नंबर स्विच्ड ऑफ। मुझे सच में कुछ नहीं पता, पिंकी बालिग लड़की थी, मच्योर थी, उसकी कोई सहेली होगी, इसमें डाउट करने वाली बात क्या है? पर 4 जून को पिंकी ने अपना नंबर बदल लिया। क्यों किया उसने? तुम्हारे अलावा कोई नहीं बता सकता। देखिए, जो बताना था मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खुद जानना चाहता था कि पिंकी ने नंबर क्यों बदला, लेकिन मेरे जानने के पहले ही मेरी बहन का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, मेरी दोनों बहनों का, मेरे माँ बाप का मर्डर हुआ, बस मैं बच गया हूँ, किस लिए मुझे भी नहीं पता। सब रिजवान बार बार एक ही बात बोल रहा है कि वो इन सब में शामिल नहीं है। उसके दोनों बेटे बबलू और सुरेश भी इसी राग पर अटके हुए। सर, एक अजीब बात है, मैंने अंकुश से पिंकी और रंजना की स्टॉकिंग और छेड़खानी के बारे में पूछा, उसने कहा कि कभी पिंकी और रंजना ने उससे इस बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया, और उसने ये भी कहा कि पिंकी और रंजना ने माँ बाप से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा कभी। एक और अजीब बात है, ब्रिजभान एंड सन्स अगर सोहन के घर इतनी रात को जाते तो दरवाजा कौन खोलता, और अगर कोई दरवाजा खोल भी देता तो उन्हें अंदर नहीं आने देता, और अगर ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसते तो जबरदस्त चीखना चिल्लाना गाली गलौज होता। सर, बिना देखे दरवाजा खोलने का कोई चांस ही नहीं है, दरवाजे पे आईपीएस लगा हुआ है और वो भी इतनी रात गए। सर, ब्रिजभान और उसके दोनों बेटों की पुलिस कस्टडी सिर्फ 2 दिन के लिए है, उसके बाद वो लोग जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। अगर हमें उनसे कुछ निकलवाना है तो इन्हीं 2 दिनों के अंदर निकलवाना होगा। लेकिन निकलवाने जैसा कुछ बचा भी है? सर, मुझे लगता है पिंकी के दिल्ली वाले कनेक्शन को टटोलना चाहिए, उसके सिम बदलने के 2 दिन बाद इस कांड का होना, उसे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला पिंकी से जुड़ा हुआ है। रिकॉर्ड्स कब आ रहे हैं उस नंबर के, जिस नंबर से पिंकी जायसवाल के पुराने नंबर पर अक्सर बात होती थी? 2 दिन लगेंगे सर। वेट करते हैं, ब्रिजभान, बबलू और सुरेश 2 दिन और है हमारे साथ, देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बात है, कोई तो है हमारी करंट लिस्ट में जो काफी कुछ जानता है लेकिन खामोश है, ऊपर से ये गांव वाले इस हत्याकांड की दहशत में मनगढ़ंत, डकैत और गैंग अटैक की कहानियां बना रहे। इस केस में कुछ लोगों की असलियत, कुछ बातें अभी भी सामने आना बाकी थी। हर नरसंहार के पीछे कुछ गड़े मुर्दे होते ही है, पर अक्सर जानने वाले उन मुर्दों पर रोशनी डालना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर उन्हें अंधेरे में ही रखते हैं, जैसे कि इस केस में गैर कानूनी पेट्रोल का धंधा जो सोहन जायसवाल अपनी फर्टिलाइजर की दुकान से चला रहा था।
एक और ऐसी ही अहम खबर थी जो हम तक काफी देर से पहुंची, या ये कहिए कि हमसे जानबूझकर छुपाई गई थी। सलाम साहब, तब पिंकी के कॉलेज के दोस्तों से दोबारा से बात हुई, तो जो ये अरविंद कुशवाहा है इसका नाम काफी बड़ा है। बोले कि जसवाल परिवार के काफी करीबी था ये अरविंद। ये सब मालूम है हमें। उसी ने पिंकी को आखिरी कॉल किया था कत्ल वाली रात को। सर, इस अरविंद के दोस्त हैं दो, एक दिलीप जिसकी बहन अमिता की शादी थी उस रात, और दूसरा गुड्डू जो उस रात उन दोनों के साथ था। तो सर, मैंने इन दोनों से थोड़ी गप लड़ाई। और तो सर, काफी चाबी भरने के बाद ये गुड्डू बोला कि अरविंद को पिंकी के बारे में कुछ पता है जो उसने आपको नहीं बताया। देख, अब ये मत बोलना उसे नहीं मालूम वो क्या था। सर, वही बोलने वाला था। लेकिन सर, एक और बात है, पूरा जयसवाल परिवार साफ हो गया, सिर्फ ये अंकुश बच गया। अंकुश का कोई हाथ हो सकता है? अब बैंक की नौकरी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है सर जी। अब दुकान और खेती की पूरी कमाई सिर्फ अंकुश को ही मिलेगी। मर्डर तक समझ सकता हूँ, लेकिन क्या वो अपनी दोनों छोटी बहनों का गैंगरेप करवाएगा? सर, प्लानिंग शायद सिर्फ मर्डर की थी, लेकिन हो सकता है करने वालों में से किसी ने ऑन द स्पॉट ये फैसला कर लिया हो कि इन दोनों को तो मारना है ही, क्यों ना पहले अपनी हवस की प्यास बुझा ली जाए। मेरी मानो तो आप अंकुश के दोस्त अरविंद को उठा लो, हो सकता है जैसे इसने पिंकी के बारे में आपसे कोई बात छुपाई, वैसे ही ये अंकुश का भी कोई राज जानता हो जो आपसे छुपा रहा हो। कोई चिड़िया हमें बता गई कि 6 जून को 11:45 पर पिंकी को जो कॉल आया था अरविंद से, वो पिकअप टाइमिंग को लेकर नहीं था। चिड़िया ये भी बता रही थी कि जयसवाल परिवार की सफाई की प्लानिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि अंकुश बच निकले। वो चिड़िया ये भी बोल रही थी कि वो जानती है कि तू जानता था कि सोहन जयसवाल गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे, लेकिन ये बात तूने बतानी जरूरी नहीं समझी, जबकि तुझे पता था कि उनके घर के बाहर से पेट्रोल की कैन मिली थी। उनके घर में ऐसी कौन सी भड़काऊ चीज थी जो कभी भी जलकर सबको खाक कर सकती थी? सर, दोनों बहनें रही नहीं, अब इतनी क्रूर तरीके से हुआ है सब, अब उनके बारे में क्या उछालूं सर? उनके बारे में ऐसा क्या था जो उछल सकता था, या उछला जो तू जानता है? अरविंद, मुंह खोल दे, नहीं तो जितने भी चार्जेस हैं ना वो सब तेरे सर पे लगा देंगे। सर, मैंने उस रात पिंकी को पिकअप टाइम पूछने के लिए कॉल किया था सर, ये बात सच है, लेकिन मैंने आप लोगों को सारी बातें नहीं बताई पिंकी के बारे में। तो अब बता दे पिंकी का। बोले सर, पिंकी का दिनेश उपाध्याय के साथ चल रहा था सर। अब ये दिनेश उपाध्याय कौन है? किसी को नहीं मालूम था ये कहां से आया हरियापुर में, कोई कानपुर कहता है, कोई इलाहाबाद। हरियापुर में क्या करता है ये दिनेश उपाध्याय? ये सर स्कीम्स बेचता था, पिंकी भी उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी सर। स्कीम का नाम? MRK लोकित बंपर योजना सर। 2 महीने पहले ये सर कहीं भाग गया, ये दिनेश उपाध्याय। बंपर योजना चलाने वाला कहीं भाग गया, क्यों? स्कीम फ्रॉड थी सर। पिंकी ने कभी डिटेल्स तो बताई नहीं मुझे, लेकिन पर वो बोली थी मुझे कि वो इसमें फंस गई है सर। हो सकता है वो दिनेश ने फंसाया उसे, या पता नहीं, शायद हो सकता है दोनों की कोई मिली भगत हो। अफेयर था दिनेश और पिंकी का, ये पिंकी ने बताया तुझे? डायरेक्टली तो नहीं बोला कभी, पर बातों से समझ में तो आता है ना मैडम। झोल झोल क्या था सर? दरअसल गांव के कई लोगों ने इस स्कीम में अपना पैसा लगाया था सर, और ये दिनेश उपाध्याय रातों रात सारा पैसा लेकर कहीं गुल हो गया था। ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली का है? वो तो नहीं पता मैडम। तुम्हारी बहन दिनेश उपाध्याय नाम के फ्रॉड के पास पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, और वो आदमी कई लोगों के पैसे लेके फुर हो गया, और तुम कह रहे हो तुम्हें ठीक से मालूम ही नहीं। सर, पिंकी ने कभी मुझे ठीक से कुछ बताया ही नहीं था। तुम्हारे पापा गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे, ये बात तो तुमको ठीक से पता थी ना, और तुम हमसे क्या पूछ रहे थे घर के बाहर पेट्रोल का कैन कहाँ से आया? सर, यकीन मानिए मुझे सच में नहीं पता था वो कैन वहां पर कैसे आ गया, अब भी नहीं पता है। और रही बात ये पेट्रोल वाले बिजनेस की, तो बस बताने से रह गई थी। बताने से रह गई थी वाली और क्या क्या बातें? सर, आप लोग तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैंने ही अपने परिवार को मार डाला हो, मैंने ही अपनी दोनों बहनों के साथ। सर, मेरा सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए। जो हत्यारे छुपे हुए ना, बस मुझे उनको आप पकड़ लो, मुझे पता करना है वो कौन थे, क्यों किया उन्होंने जो किया हमारे साथ। मैडम, MRK लोकित बंपर योजना वाले दिनेश उपाध्याय की हिस्ट्री निकाल रहे थे, यहाँ तो किसी और की हिस्ट्री निकल के सामने आ गई। नाम बोल। पंचम जायसवाल, सोहन जायसवाल का छोटा भाई। हाथ था मर्डर में या मास्टरमाइंड था ये पंचम? अब मैडम क्या था ये तो मालूम नहीं अभी, लेकिन पंचम की बड़े भाई सोहन के साथ में पिछले 2 साल से कोई बातचीत नहीं होती थी। जमीन या प्रॉपर्टी का कोई मसला था? हाँ। और अंकुश के फोन के बाद उसका सोहन के घर जाना, जोर जोर से चिल्लाना, मानो गंदे से नाटक का गंदा सा रिहर्सल था कोई। और ये बात हमें ना अंकुश ने बताई और ना उसके चाचा पंचम जायसवाल ने।
सर पंचम से उस पेट्रोल कैन के बारे में पूछा था हमने। ये जो पेट्रोल का कैन है ये इनके घर का ही? मुझे पता नहीं सर। सर पिंकी के फोन से इस नंबर पे तकरीबन रोजाना 6 महीने से बात हो रही थी। 444-567-898 वो दिनेश उपाध्याय का नंबर है। कल तक हमारे पास एक ही एंगल था और वो ये कि ब्रिजभान और उसके दोनों बेटे सुरेश और बबलू ने एक काम किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास एंगल्स ही एंगल्स, पर ये सारे एंगल्स इस खूंखार मर्डर और गैंगरेप से कैसे जुड़े हैं ये भी पता नहीं मुझे। ब्रिजभान शर्मा और उसके बेटे बबलू और सुरेश को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन वो अब भी शक के दायरे से बाहर नहीं किए गए थे। इस केस के इर्द गिर्द बड़ी रहस्यमय गतिविधियां हो रही थी जिसका राज जानना अभी बाकी था, पर ऐसा लग रहा था कि ये सारी एक्टिविटीज कहीं जाकर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। इस केस की सबसे रहस्यमय बात थी पेट्रोल कैन। वो पेट्रोल से भरा कैन घर के बाहर क्या कर रहा था? जब तक हमें इसका जवाब मिला वो जवाब कई और सवालों का जवाब साबित हुआ। सब कुछ एक दूसरे में बुना हुआ था, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर अहम मुद्दा यह था कि वो कौन थे, कितने थे जो 6 जून की देर रात जायसवाल परिवार के दरवाजे पहुंचे, शायद दस्तक दी, अंदर दाखिल हुए, फिर 4 लोगों का मर्डर्स और 2 भयंकर गैंग रेप्स कर घर में पड़ा थोड़ा सा कैश लेकर भाग खड़े हुए। नाम दिनेश उपाध्याय, अभी इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन इसका लास्ट फोन लोकेशन दिल्ली का दिखा रहा है। हाँ त्रिपाठी, फोटो मिल गई हमें और टीम्स के साथ हमने शेयर भी कर ली। एक बार फ्रॉड कर चुका है ये दिनेश उपाध्याय, दूसरी बारी करने में हाथ पर मारेगा ही मारेगा। ये हरियापुर वाला फ्रॉड इसका पहला नहीं था। हमें पता चला यूपी के 4-6 गांव में ये कोई स्कीम चला रहा था, पूरे साल लोगों को ठगता था और उसके बाद यूपी के बाहर के अंडरग्राउंड हो जाता था, जैसे कि अभी। मतलब काफी चिकना चुपना सांप है ये, और शायद जहरीला भी। यहाँ हरियापुर में ये 4 मर्डर और 2 गैंगरेप में संदिग्ध है। अगर ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली में कहीं भी है इसके बिल से फूंक कर इसको आपके हवाले कर देंगे। आपने सामने से हमें नहीं बताया पंचम जी, हमने खुद पता किया कि आपके और आपके बड़े भाई सोहन के बीच कुछ मसला था। लेकिन हमारे आपसी मसले से इस हादसे का क्या लेना देना साहब? ब्रिजभान और सोहन का भी मसला था जमीन को लेकर, अब तक कुटाई चल रही है उनकी। साहब हम सगे भाई हैं और वो बच्चियां हमारी बच्चियों जैसी थी। अगर वो बच्चियां सच में आपके लिए आपकी बच्चियों जैसी थी और इस घिनौने कांड में आप शामिल नहीं है तो गुनहगारों को पकड़वाने में हमारी मदद करते, हमें गुमराह नहीं करते। हमने गुमराह नहीं किया साहब। आपको पहले से मालूम था कि सोहन के घर में लाशें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन ऐसे पेश आए जैसे चौंक गए? नहीं साहब, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। आपको ये भी मालूम था कि सोहन के घर के बाहर पेट्रोल की कैन क्यों? लेकिन जब हमने आपसे पूछा तो आपने कहा कि आपको नहीं मालूम। हाँ वो हमने झूठ कहा था साहब। क्यों? वो अलग बात है कि हमारे और भैया के बीच संबंध खट्टे पड़ गए थे, लेकिन पूरे गाँव में उनकी बहुत इज्जत थी और हम नहीं चाहते थे कि उनका ढिंढोरा पिटे कि वो पेट्रोल का अवैध धंधा चलाते हैं। इसलिए रोने धोने का नाटक किया हमारे सामने, ऐसे भाई के लिए शोक मनाया जिससे पिछले 2 साल से बातचीत बंद थी। हाँ मैडम, मैंने कई बार बात की थी पिंकी से। क्या बात की थी अरविंद? इस दिनेश उपाध्याय के चक्कर में कहीं किसी दिन तुझे जेल विल ना हो जाए। ये दिनेश फ्रॉड के पैसों में से पिंकी को भी हिस्सा देता था? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मैं तो बस एक दोस्त के नाते उसे समझाता था। गाँव के कई सारे लोगों के पैसे डूबे हैं मैडम इस फ्रॉड स्कीम के चक्कर में। मुझे लगता है पिंकी को पैसे मिले जरूर होंगे दिनेश से। जी पिंकी का पासबुक तो घर ही पर पड़ा होगा। मैं कांस्टेबल भेज रहा हूँ, तुरंत पिंकी के सारे बैंक डिटेल्स और कागजात उसे हैंडओवर कर दो। जी। ये दिनेश उपाध्याय कोई MR के लोकहित बम्पर योजना चलाता था, जरा पता करो क्या चीज है। सर जी एक दिन का टाइम दीजिए, अगर हरियापुर के लोगों का पैसा डूबा है तो आधे दिन में पूरा चिट्ठा खुलेगा। लेकिन साहब जी एक बात समझ में नहीं आई, अगर दिनेश उपाध्याय कई लोगों के मेहनत का पैसा लेकर गुल हुआ तो उन लोगों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, कोई कुछ बोला क्यों नहीं? इस कांड में काफी कुछ ऐसा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारे अपने भैया के साथ बातचीत बंद थी ये बात हमने आपको नहीं बताई, तो आप ये कहेंगे कि हमने अपने भैया, अपनी भाभी और भतीजियों का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने से पहले अपनी भतीजियों के साथ? पिंकी और रंजना के साथ जो हुआ वो शायद आपका इरादा नहीं होगा, पर जिन लोगों से आपने करवाया उनकी नियत की गारंटी लेकर तो आप बैठे नहीं थे। हमने कोई सुपारी उपारी नहीं दी साहब। हाँ हम भैया से नाराज जरूर थे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भाई जैसा नहीं बल्कि दुश्मन की तरह व्यवहार किया था। ये क्या किया ननकू, मकान बेच दिया? अरे हमारी बात चल रही थी ना भाई। आप और सोहन भैया किसी नतीजे में आए नहीं और मेरठ में मेरी नौकरी लग गई, 4 दिन में रिपोर्टिंग भी करना है, तो मैंने बस बेच दिया घर। किसको बेचा? सोहन भैया को। सोहन भैया
तूने ऑफर? ऑफर ऑफर कुछ नहीं पंचम भैया, सोहन भैया तो सीधे 6 लाख नगद लेकर आ पहुंचे और थमा दिए मुझे। बोले कि अंकुश के लिए सही रहेगा ये घर, उनके घर के पास ही पड़ते हैं, इसके लिए मैंने हाँ कर दी। सोहन भैया, जब अपने इतना प्यार देंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? ननकू ने सब बता दिया हमको। हम तुमको पहले ही बोल दिए थे कि ननकू का घर खरीदने में हमें रुचि है, पर तुम ही जिद पकड़ के बैठे थे। लेकिन वो घर तो हमने पहले देखा था ना भैया, और कमला को भी पसंद आ गया था, उसका छत और आंगन सब हमको भाग गया था। हमने अपना समझ कर आपको सब बता दिया और आपने 1 लाख ज्यादा देकर अपने नाम करा लिया। अरे धोखा दिया आपने हमें, छुरा भोंका हमारी पीठ पे। फालतू बात मत करो पंचम, हम तुमको बोल दिए थे कि अंकुश के लिए हमने वो घर पसंद किया, पर तुमको तो हमारी कदर है ही नहीं। अगर हमको तुम्हारी कदर नहीं होती ना भैया, तो 5 साल से जो पेट्रोल का अवैध धंधा चला रहे हो ना, इस बारे में चुप नहीं बैठते हम। इसी की काली कमाई से आपने ये घर खरीदा है, ये 6 लाख इसी से आए हैं। अब तक तो भाई समझ के चुप बैठे रहे, लेकिन अब आपने ही जब भाई भाई की सांठ गांठ को तोड़ दिया ना, तो हमसे उम्मीद मत रखना कुछ। हमको धमकी दे रहे हो तुम? काश आपने भी कम से कम धमकी दी होती, अपना असली रंग दिखाया होता। लेकिन आपने तो कंधे पे हाथ रख के हमारा गर्दन दबा दिया, अब देखना क्या करते हैं। और ये पेट्रोल वाली बात आपने पंचायत में उठाई, लेकिन किसने साथ नहीं दिया आपका? ऐसा कुछ नहीं था साहब, हमने तो बस गुस्से में सिर्फ धमकी दी थी भैया को। लेकिन ये धमकी काम नहीं आई, और ये बात ना आपने हमें बताई और ना ही गांव के सरपंच लखन जी ने, हमने खुद को रेत कर निकाली। अरे साहब, ये तो पंचम अपनी भड़ास निकाल रहा था, अब इतने के लिए हम सोहन जी के खिलाफ शिकायत थोड़ी करते। आप लोगों ने तो काफी हल्ला मचाया था कि इस कांड से पूरा का पूरा गांव खौफ में, आप लोग चक्का जाम और न जाने क्या क्या करेंगे, पर इन दोनों भाइयों की दुश्मनी के बारे में आप लोगों ने चू तक नहीं, यहाँ तक कि सोहन जायसवाल के अवैध पेट्रोल के धंधे के बारे में आप लोगों ने मुंह तक नहीं खोला। ये सोहन और पंचम दोनों भाइयों के बीच का आपसी झगड़ा है, इसका पेट्रोल से क्या लेना देना? वैसे भी पेट्रोल पंप इस गांव से काफी दूर है, सोहन जी 5-1 रुपये ज्यादा ले लेते, जिसमें हम गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं होती थी। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना, ये पेट्रोल का कैन इस कांड की जड़ हो सकता, पर आप सबके सब चुप, कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कहेगा। इन दोनों भाइयों की दुश्मनी कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं थी। आप लोग हमारे और सोहन भैया के बीच के अनबन को एक खूंखार दुश्मनी और बलात्कार का रंग दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं साहब। आप लोग ब्रजभान और उसके बेटों को बचाने के लिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, 16 ने सही समझे आप पंचम जी, हम आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ इस इल्जाम को साबित भी करेंगे। ठीक है साहब, सबूत पेश कीजिए आप, तब की तब देखेंगे। पंचम जायसवाल के फोन रिकॉर्ड से भले ही कुछ ना निकले, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। अगर ब्रिजभान जमीन के मसले को लेकर ऐसा कुछ कर सकता है, तो पंचम भी मकान के मसले को लेकर ऐसा कर सकता है। सगा भाई ऐसा कांड नहीं करवा सकता, ऐसा कहीं लिखित तो है नहीं। राइट सर। वैसे इस केस के स्टार्ट में हमारे पास कोई लीड नहीं थी, पर अब हर दिन नया कुछ निकल के आ रहा है। लोकहित बंपर योजना स्कैम? सर ये स्कैम भी वजह हो सकता है इस कांड का। गांव के कई लोगों के पैसे डूबे थे और शायद ये विक्टिम पिंकी इस कांड का हिस्सा थी। मिल गई पिंकी की पासबुक। उस स्कीम के बारे में कुछ ना पूछो, स्कीम थी ऐसी कोई मना नहीं कर सकता था। अच्छा, ऐसा क्या था? 2500 का मिक्सर ग्राइंडर 1250 रुपए में घर लेके जाओ, बोलो। अच्छा, ये योजना सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर के लिए थी? नहीं नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं ना, उन सबके रंगारंग पोस्टर लगा देता था ये दिनेश ठग। शक्ल सूरत से भी एकदम अफसर जैसा लगता था, रोबीला। किशन चाचा, ये सारी चीजें बेच रहे हम और ये रेट्स यहीं के लिखे गए हैं। आपको जो भी चाहिए बस आधे पैसे दीजिए और जब माल 9 महीने बाद डिलीवरी करेंगे तो आपको 1 पैसा ज्यादा नहीं देना होगा। इसका मतलब इसमें से जो भी चीज ले सब आधे दाम में मिलेगी? और हाँ किशन चाचा, सब कुछ कायदे से होगा, आपको फॉर्म की कॉपी मिलेगी, रसीद वसीद और आधे दाम का वादा भी। तो बस आधा दाम दीजिए और आपसे 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। देखो पिंकी बिटिया, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम बोल रही हो तुम विश्वास कर रहे हैं। ये देखिए चाचा, हमने आपके लिए सही चीज चुनी है ना? ये लो बिटिया। किसी गांव वाले को एक सुई तक तो दिलाई नहीं साले ने, मेरा किराया क्या देता?
एक हफ्ते तक रोज जाकर मैं पिंकी से पूछता रहा कि दिनेश का बच्चा गया कहाँ। वो छोटा था मुंह बनाकर बोलती पता नहीं। फिर ताला तोड़ा। जब किस्मत टूटी हो तो ताला क्या चीज है, पूरा सामान लेकर छू। सिवाय इस बोर्ड के रद्दी वाले को बोला भैया और इसको लेके जा, आंखों में छुपता है ये, और वो अभी तक आया भी नहीं। दीवान जी एक दो लोगों तो समझे, ये दिनेश उपाध्याय तो पूरे गांव को चूना लगा कर गया। ये आधे दाम का जो लॉलीपॉप देकर गया, किसी को शक नहीं हुआ? किसने कुछ पूछा नहीं दिनेश से? भैया कोई दिनेश बाबू को नाराज नहीं करना चाहता था, सभी ने लालच में आकर कुछ न कुछ खरीदा था। आप भी 800 की इलेक्ट्रिक इस्त्री 400 में दे गई, छोटा सा करंट का झटका मुझे। लेकिन वो जयलाल शुक्ला को तो हजारों वोल्ट का करारा झटका लगा, शॉक। क्यों, कोई फ्रिज वगैरह खरीदा था क्या? खेत का मोटर पंप, बेटे के लिए मोटरसाइकिल, लगभग 70-80 हजार रुपए दे चुका है उस ठग दिनेश को, और अब भी रोज आकर दुकान के चक्कर लगा के जाता है, उम्मीद में बैठा है कि शायद दुकान खुलेगी फिर से। बावला हो गया है। मैनेजर साहब, पिंकी एक दिनेश उपाध्याय नाम के फ्रॉड के पास काम कर रही थी, जो 2 महीने पहले कई लोगों को चीट करके भाग गया। आप जरा पिंकी के अकाउंट में देख के बताएंगे कि दिनेश ने कोई रकम पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर की हो, या फिर पिंकी के अकाउंट से किसी अज्ञात अकाउंट में कोई बड़ी रकम ट्रांसफर हुई हो। आप पहले ये बताइए कि आपको किसने कहा कि पिंकी और उस फ्रॉड दिनेश उपाध्याय के बीच था या नहीं था फेयर? आप पहले ये बताइए, आपको बताया किसने? अरविंद, तुम्हारा दोस्त, पिंकी का दोस्त, तुम्हारी फैमिली का दोस्त। आप झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले मुझे बताता। पिंकी ने तुम्हें बताया था कि उसने कत्ल से 2 दिन पहले अपना नंबर क्यों चेंज किया? नहीं, बोल चुका हूं आपको। बोल चुके हो, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। हमें लगता है पिंकी या तो दिनेश को अवॉइड कर रही थी या फिर गांव वालों को, इसलिए उसने अपना नंबर चेंज किया। नंबर चेंज करके कोई गांव वालों को कैसे अवॉइड कर सकता भला, और वो दिनेश को क्यों अवॉइड करेगी सर? क्योंकि शायद जैसे गांव वालों का पैसा दिनेश के पास अटका था, ऐसे ही दिनेश का पैसा पिंकी के पास अटका हो। झूठ, सब झूठ है ये। तुम्हारे घर के 4 लोगों का मर्डर हुआ है, तुम्हारी दोनों बहनों के साथ गैंग रेप हुआ है, ये झूठ नहीं है। और ये भी झूठ नहीं है कि ब्रजभान और तुम्हारे अपने चाचा पंचम के साथ तुम्हारी फैमिली की दुश्मनी थी। ये भी झूठ नहीं है कि तुम्हारे पिता पेट्रोल का अवैध धंधा करते थे। ये भी झूठ नहीं है कि गांव वालों ने दिनेश की फ्रॉड स्कीम में पैसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन पिंकी के भरोसे लगाया था, और अब गांव वाले इस नुकसान का जिम्मेदार तुम्हारी बहन पिंकी को मान रहे थे। छोटी छोटी रकम भी मिलाओ तो 8-10 लाख कहीं नहीं गए। सर, एक जलाल शुक्ला मिला था, मैक्सिमम उसका नुकसान हुआ है कुछ 80 हजार का, काफी परेशान लग रहा था। तो क्या सर कुछ ऐसी नाराज गांव वालों ने मिलकर बदला तो लिया पिंकी से और पूरे परिवार वालों से? और फिर पंचायत खौफ ड्रामा और चक्का जाम की धमकी देकर ध्यान बटा रही हो। सर, आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से गांव का वो हर बंदा रडार में लाना होगा जिसको दिनेश ने चूना लगाया हो, और शायद पिंकी ने भी। लेकिन सर, पिंकी के बैंक अकाउंट में कोई भी अनयूजुअल रकम ना डिपॉजिट हुई और ना ही किसी दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांसफर। त्रिपाठी, लगभग सारे ट्रांजेक्शन कैश में हुए, हो सकता है सारी रकम पिंकी के पास कलेक्ट हुई और पिंकी ने ये रकम दिनेश को ना दी, गुस्से में आकर दिनेश ने अपने आदमी भेजकर ये सब करवा दिया। इस वक्त हर एंगल धुंधला है अंकुश, लेकिन इतना साफ है कि इस कांड का कुछ ना कुछ पिंकी से लेना देना जरूर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब मेरी पीठ पीछे हुआ जब मैं यहां नहीं था। ये बात भी उसी धुंध में फंसी है अंकुश। तुम्हारा लखनऊ जाना होता है और उसके ठीक 3 दिन बाद ये कांड हो जाता है। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? हमारे पास कोई वजह नहीं है तुम पर शक ना करने की। सर, अपनी फैमिली का मैं इकलौता मेंबर बचा हूं अब, और इकलौते वारिस भी, इसीलिए शक के दायरे में हो। पर तुम इकलौते नहीं हो, हमारी उंगलियां और भी कई जगह उठ रही हैं, इशारा भी कर रही पर किसी एक जगह पे टिक नहीं रही। इसलिए तुम सबको चेतावनी है हमारी कि हमसे कुछ भी छुपाने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि हम धुंध के हटने का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद धुंध हटाकर मुजरिम को रोशनी में ले आते हैं। सभी संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स बड़ी बारीकी से स्कैन हुए, पर कहीं से भी कोई ठोस अंदेशा नहीं हो रहा था कि इनमें से किसी का इस मल्टीपल मर्डर और गैंग रेप से कोई ताल्लुक हो। गांव में जिन जिन लोगों ने दिनेश की स्कीम में पैसा खोया था, उन सभी पर अब हमारी कड़ी नजर थी। ये एंगल भी आगे बढ़ नहीं पाया था कि पंचम जायसवाल ने यह काम किसी दूसरे को सौंपा हो। दिनेश उपाध्याय को ढूंढने में जमीन आसमान एक किया जा रहा था, वो अब इस केस में संदिग्ध नंबर 1 था। केस की शुरुआत में हमारे पहले मुख्य संदिग्ध
ब्रिजभान शर्मा और उसके बेटों की जमानत हुई, पर वो अब भी हमारे संदिग्धों की लिस्ट में मौजूद थे। पूरी शिद्दत से कोशिशें करने के बावजूद ये केस एक अनसुलझा रहस्य बनता चला जा रहा था और हम पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। नरसंहार के लगभग एक महीने बाद दिल्ली में दिनेश उपाध्याय पकड़ा गया, पर इस केस के लिए दिल्ली अभी भी बहुत दूर थी। दिनेश उपाध्याय हमारा गुनहगार है, पहले आप उसे हमारे हवाले कीजिए। सबसे पहले हमें गांव के एक एक आदमी का पैसा वसूलना है, सूद समेत। हमारे हवाले कीजिए दिनेश उपाध्याय, कौन होते हैं आप लोग? कौन होते हैं आप लोग? ये आजकल फैशन हो गया क्या, कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर अदालतें चलाना? कान खोलकर सुन लीजिए सबके सब, दिनेश उपाध्याय इस वक्त हमारी हिरासत में है। आप लोगों के साथ हुआ पैसों का फ्रॉड, जायसवाल परिवार की हत्या और भी कई केसेस होंगे, इन सब केसेस में दिनेश उपाध्याय से पूछताछ की जाएगी। तो क्या उससे हमारे लूटे गए पैसे वापस मिल जाएंगे? दोषियों से पैसे वापस दिलवाना अदालत का काम, इस वक्त हमारा काम है दिनेश उपाध्याय के खिलाफ तगड़ा केस बनाना, जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के इस रवैये से हमारे काम में अड़चन हो रही है, ये कब समझेंगे आप लोग? अभी शांत होकर शांति से आप लोग अपने अपने घर जाइए। तू किसी चार्ज के लिए मना भी करेगा ना, तो भी हम तेरी जमानत की एप्लीकेशन का विरोध नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि गांव वाले तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तेरा एक एक पुर्जा खोल कर रख देंगे, बाहर ही खड़े हैं। मैं किसी भी चार्ज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, हां मैं एक पेशेवर फ्रॉड हूं। इस हरियापुर गांव के अलावा मैंने और भी कई गांव में लोगों को ठगा है। इस भ्रम में मत रहना दिनेश, इस सारी डीलिंग कैश में हुई है तो केस कमजोर बनेगा। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं सर, बल्कि पिछले कुछ सालों से मैं तैयार भी था कि एक ना एक दिन तो जरूर पकड़ा जाऊंगा ही, कोर्ट जेल मैं सबके लिए तैयार हूं, पर अपने सारे के सारे फ्रॉड में कबूल कर लूंगा। चार मर्डर और दो रेप केस, ये कौन कबूल करेगा? आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मेरे ऊपर नहीं चिपकेगा। मैंने अप्रैल में हरियापुर गांव छोड़ा था सर, अब अगस्त में आप लोग मुझे यहां वापस लेकर आए, इस बीच पूरे टाइम में दिल्ली में ही था। किस गैंग को दिल्ली में सुपारी दी तूने? इंस्पेक्टर साहब, आपकी ये जो थ्योरी है कि पिंकी ने मेरे पैसे मारे और मैंने इस तरह से पिंकी से बदला लिया, ये सरासर गलत है। पिंकी और तेरा अफेयर था, ये भी गलत है। 100% गलत है मैडम, वो बेचारी तो एक कॉलेज की लड़की थी, होनहार थी। मैंने पिंकी के टैलेंट को स्पॉट किया सर। तुझे हमारे टैलेंट का भी अंदाजा नहीं है दिनेश, कि झूठी कहानियां हमें बेचने की ट्राई मत करना। सर पिंकी ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। पर तूने पिंकी को नुकसान पहुंचाया, पूरे पैसे लूटे, यहां से भाग गया, पिंकी को अकेले छोड़ दिया पूरे गांव वालों का सामना करने के लिए। जी हाँ, और इसीलिए पिंकी मुझे बार बार फोन कर रही थी सर, उसके पास मेरा दूसरा नंबर था। दिनेश सर, 2 घंटे से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, गांव वाले परेशान कर रहे हैं मुझे। देख पिंकी, मैं अपना ये नंबर भी बदलने वाला हूँ। मतलब लोग सच कह रहे हैं, आप वाकई उनके पैसे लेकर फरार हो गए? मैंने तुम्हारी सैलरी एक दिन भी कभी डिले की है क्या? बल्कि ऊपर से बोनस भी दिया है तुम्हें। देखो पिंकी, तुम इस समय मत पड़ो। मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती, यहाँ गांव वाले मेरा गला पकड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पे आपको पैसे दिए चीजों के लिए। टेंशन मत लो पिंकी, मैं कह रहा हूँ ना, अपना नंबर बदल दो, घर भी चेंज कर दो, गांव भी। पिंकी, ये सारे गांव वालों को ना एक स्टैंडर्ड जवाब दे दो, बोलो कि मुझे नहीं पता दिनेश सर कहाँ चले गए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से ये भी बोल देना कि मेरी खुद की भी 3-4 महीने की सैलरी पेंडिंग है, कुछ वक्त में सब भूल जाए और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी रूटीन। और अपना हाँ नंबर आज ही चेंज कर दो, ठीक है? इससे ज्यादा तुम्हें कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, सो गुड लक। सर चीटिंग करना मेरे खून में है, आज तक मैंने बहुत से लोगों के साथ धोखा किया है,
लेकिन अगर कोई मेरे साथ धोखा करता है तो इतने भयंकर तरीके से मैं उससे बदला नहीं लेता हूँ सर। धोखा देना, धोखा खाना हिस्सा इस खेल का। पैसों का धोखा, दिल का धोखा, सब एक है तेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये दिल विल जैसी कमजोरियां मैं पालता ही नहीं हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पिंकी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। वो एक होनहार सेल्स गर्ल थी जो मेरी स्कीम्स को गांव वालों को हार्ड सेल किया करती थी। और रही बात पैसों की, तो इंस्पेक्टर साहब, पिंकी ने एक पैसे का नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे। लेकिन पिंकी को काफी नुकसान पहुंचा, उसकी बहन रंजना को नुकसान पहुंचा, उसके माँ बाप को नुकसान पहुंचा। इन चारों को हम कॉम्पनसेशन तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन इनके गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तेरे मुंह से सब कुछ उगलवाएंगे सरोज। आप सही कह रहे हैं सर, आपके टॉर्चर से घबराकर मैं कबूल कर लूंगा एक ऐसा गुनाह जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए सर, इससे क्या आपका असली केस सॉल्व हो पाएगा? वो जो असली कातिल है वो तो बाहर खुला घूमता रहेगा ना। आप जैसे काबिल ऑफिसर्स के नाम के चुटकुले सुनाता रहेगा अपने दोस्तों को। कैश में इसलिए डील करता हूं ताकि केस बनाना मुश्किल हो, मुझे ट्रेस करना मुश्किल हो। ये चार मर्डर्स, दो गैंग रेप, इतना बड़ा अटेंशन मैं अपने ऊपर क्यों मोल लूंगा सर? कॉमन सेंस सर। ये दिनेश बड़ी स्टैंडर्ड बातें कर तो रहा है पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, ये बंदा रेप और मर्डर करने वाला लगता भी नहीं है। क्या ब्रजभान और उसके दोनों बेटे ऐसे लगते हैं? क्या सोहन जायसवाल का भाई पंचम जायसवाल ऐसा लगता है? क्या सारे गांव वाले ऐसे लगते हैं जिन्हें दिनेश ने ठगा था और उन्होंने दिनेश का गुस्सा पिंकी और उसके परिवार पर निकाला हो? क्या अंकुश ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया? सर, अंकुश जायसवाल का कोई पारिवारिक मसला सामने नहीं आया। हमारे बाकी संदिग्धों के मसले तो सामने आए हैं लेकिन कोई सुराग नहीं। सर, सबकी स्टैंडर्ड लाइन है कि ये काम हमने नहीं किया और ऐसा घिनौना काम हम कर ही नहीं सकते। पर सब कुछ ना कुछ छुपाते आए। अब सवाल यह है कि जायसवाल फैमिली के किसी सदस्य से रंजिश वाले ने भी ये नहीं किया है तो फिर कौन? हमारा पहला डकैती वाला एंगल भी कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, तो सवाल जस का तस है, कौन? सोहन और गायत्री जायसवाल को उन्हीं के बेडरूम में उन्हीं के बिस्तर पर मार डाला गया, शायद नींद में उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद इन दोनों लड़कियों पिंकी और रंजना के साथ गैंग रेप किया गया होगा और उसके बाद मर्डर। सर, पिंकी और रंजना, इन दोनों में से किसी एक ने दरवाजा खोला होगा। पूरे चांसेस हैं कि गुनहगारों में से कोई एक जान पहचान का था। सर, वो पेट्रोल का कैन, मैं बार बार उस पे आके अटक जाता। अंकुश और गांव के कई लोगों ने बोला है कि गांव में अगर एकाएक किसी को पेट्रोल की जरूरत पड़े तो सोहन जायसवाल के पास से मिल जाता था। पर सर, अंकुश ने ये भी बोला था कि अगर किसी को पेट्रोल की जरूरत होती थी तो वो फोन करके बोल देते थे। पेट्रोल की डिलीवरी हमेशा दुकान से होती थी, घर से नहीं, ऐसा क्लियरली कहा है अंकुश ने। सर, हो सकता है किसी एक्सेप्शनल केस में पेट्रोल का ऑर्डर दुकान के बंद होने के बाद घर से पिकअप होने वाला, जो शायद इस केस में होने वाला। तो फिर हमारे संदिग्धों में से ये एक्सेप्शनल केस कौन हो सकता है जिसे पेट्रोल चाहिए था? सर, पंचम के पिछले 2 साल से सोहन जायसवाल से कोई बात नहीं हुई, मैंने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लियर है। सर, शायद पंचम उस रात पर्सनली आया हो अपने भाई से बात करने और सुलह करने के बहाने उसने बात पेट्रोल को लेकर शुरू की। केस अब हमें गोल गोल चक्कर कटवा रहा था, कोई क्लियर मोटिव नजर आने के बजाय मौजूदा सारे मोटिव्स और धुंधले नजर आने लगे थे। हम सारे संदिग्धों से बार बार वही सवाल करने लगे थे। उम्मीद यही थी कि इनमें से कम कोई एक अपने बयान से कुछ अलग कहे और हम उसके झूठ को पकड़ लें ताकि इस केस का सच सामने आए। क्राइम सीन के पास के डम डेटा से भी हमें किसी की सस्पिशियस प्रेजेंस का अंदेशा नहीं मिला जो उस रात वहां मौजूद हो सकता था। नाकामयाबी के भंवर में हम मानो हर बहते तिनके से लटक रहे थे, पर एक ऐसा तिनका आखिरकार हाथ लगा जो हमारे केस को किनारे ले आने वाला था। सर, दो अलग अलग केसेस को क्यों जबरदस्ती साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगा के कोर्ट में पेश कर दीजिए ना। ये अरविंद कुशवाहा कौन है जानते हैं? जी सर, पिंकी का दोस्त है। अरविंद ने तेरी फ्रॉड स्कीम में पैसे लगाए थे? जी, उसे नए मॉडल की कोई बाइक चाहिए थी। पिंकी कभी अरविंद के बारे में बातें करती थी तेरे साथ? पिंकी मेरे लिए काम करती थी। मेरी पिंकी से बातचीत सिर्फ और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होती थी। मेरी स्कीम्स बेचती थी वो गांव वालों को, कभी अपनी पर्सनल बात डिस्कस नहीं की उसने। नहीं नहीं, अरविंद नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को उठाओ। क्या नाम था उसका? सर, ममता, कुछ ममता बोला था उसने। गर्लफ्रेंड ममता है, ममता त्रिवेदी। 6 जून को मेरी उससे भी कई बार बात हुई। अब हम ममता से बात करेंगे, उठा लो उसे। ओके सर। त्रिपाठी, पता नहीं क्यों
शायद अरविंद को उसके कॉन्फिडेंस या रात भर शादी में होने की वजह से उसे हमने अपने संदिग्धों की लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन फैक्ट यही है, हत्याकांड से घंटे भर पहले चारों विक्टिम में से एक विक्टिम पिंकी को आखिरी कॉल अरविंद ने किया। सर उठाते हैं सर अरविंद, पता चला टेस्ट सेंटर पर ड्रॉप करने वाली बात पूरी तरह मनगढ़ंत है और जम के कुटाई करते हैं। करेंगे, लेकिन इसके बयान को छुटलाने वाली डिटेल और सबूत के साथ। हाँ मैडम, मैं पिंकी जायसवाल को जानती थी, लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाहती है? तुम पिंकी को कितने अच्छे से जानती थी, उससे बात होती थी या नहीं होती थी, और मिलती थी तो कब और कहाँ? नहीं नहीं, मैं पिंकी से मिली विली नहीं, ना ही हम एक कॉलेज के थे और ना ही गांव के। पर ममता, तुमने पिंकी के बारे में शायद सुना होगा अपने बॉयफ्रेंड अरविंद से। अरविंद का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से पहले या उसके बाद पिंकी के साथ कोई रिश्ता था, रोमांटिक टाइप का? ये कौन सी बात हुई सर? हर बारी जब आपने पूछा है मैंने जवाब दिया है, हर बारी हाजिर हुआ। फिर ये ममता मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घसीटा जा रहा है इस सब में? नाम तो तूने घसीटा है, जब हमारे बिना मांगे बिना पूछे तूने ममता का नाम लिया, ममता त्रिवेदी, यहाँ तक कि उसका नंबर तक ऑफर किया। आप कहें तो मैं नंबर दूं सर? और अब जब हम ममता से दो चार सवाल कर रहे हैं तो तुझे तकलीफ हो रही है? कहीं इस बात की तकलीफ तो नहीं कि हमने तुझे ममता को सिखाकर भेजने के लिए मौका नहीं दिया, जैसे कि तूने गुड्डू को सिखाकर भेजा था हमारे इन्फॉर्मर के पास? क्या सिखाया मैंने सर? दरअसल हिले हुए तो ना मुझे आप लोग, जो इतना भयंकर कांड हो जाने के बाद आप अब तक मुजरिमों को नहीं पकड़ पाए, बस यूं बकरे ढूंढे जा रहे हैं। पिंकी के बारे में जो भी जानती हूँ वो सारी बातें मुझे अरविंद ने ही बताई है। मतलब ममता, अरविंद पिंकी के बारे में तुमसे काफी बातें करता था। क्या बातें करता था अरविंद पिंकी के बारे में? यही कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, पिंकी का बड़ा भाई अंकुश और अरविंद भी अच्छे दोस्त है। काफी बातें होती थी पिंकी के बारे में, राइट? हाँ, होती तो थी। कभी तुम्हें ये लगा कि पिंकी हमेशा तुम दोनों के बीच में होती है? लगा था, मैंने अरविंद को पूछा भी उसकी फीलिंग्स के बारे में। ममता फीलिंग्स थी? मुझे नहीं पता, पर जब भी पिंकी के बारे में बहुत ज्यादा बात होती थी तो मैं इरिटेट हो जाती थी। कभी तुम्हें ऐसा लगता था कि पिंकी और अरविंद के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है? लगा तो था, और अरविंद को मैंने पूछा भी, पर उसने कहा कि सिर्फ मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन कई बार दिन में पिंकी की ही बात होती थी कि पिंकी ने ये किया, पिंकी ने वो बोला। कई बार तो पिंकी उसे ठीक से बात नहीं करती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। मतलब ममता, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद होता तो तुम्हारे साथ था, पर वो था पिंकी के साथ? हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा ममता, तुम्हें क्या लगता है जब अरविंद पिंकी से मिलता होगा तो वहां पर वो तुम्हारी बातें करता होगा? मुझे नहीं पता, पर कुछ टाइम से पिंकी और अरविंद के बीच में अनबन चल रही थी। किस बात को लेकर? पैसे को लेकर, क्योंकि पिंकी अरविंद के पैसे नहीं लौटा रही थी और अरविंद बहुत अपसेट था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया था। एक मिनट, अरविंद ने किस लिए पैसे दिए थे पिंकी को और कितने दिए थे? अरविंद ने पिंकी को पैसे नहीं दिए थे। हाँ मतलब दिए थे, वो जो फ्रॉड बम्पर स्कीम जहाँ पिंकी काम करती थी वो उसको हाफ प्राइस में बाइक दिलाने वाली थी, पर अरविंद को जब पता चला कि वो फ्रॉड है तो पिंकी ने पैसे देने से मना कर दिया। सर आप कानून के रखवाले हैं सर, सर आप ऐसे गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? सर ये गलत है सर, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते सर। आप मुझे बताएंगे कि किस चार्ज में आपने मेरे बेटे को अंदर किया? फिलहाल आपके बेटे से पूछताछ की जा रही है। मेरा बेटा अरविंद जायसवाल परिवार के करीबी था, पर आप उस पर शक कर रहे हैं? जी। अंकुश उसको फंसा रहा है, झूठी उंगली उठा रहा है उस पर। देखिए सच और झूठ का फैसला तो अदालत कर ली। सच ये है कि अरविंद रात भर शादी में था, मेरे और बाकी बरातियों की आंखों के सामने। सर मैंने पहले भी आपसे बोला है, हम तीनों पूरी रात मेरी बहन की शादी में काम कर रहे थे, मैं अरविंद और ये गुड्डू। गुड्डू, पहले तूने कहा था कि अरविंद पिंकी के बारे में कुछ जानता है, और जैसे ही हम अरविंद के पास पहुंचे उसने दिनेश उपाध्याय वाला एंगल चिपका दिया। ये खबर तूने अरविंद के कहने पर दी थी ना? नहीं सर, वो आपका बंदा आया था, बोला कि वो आपके साथ काम कर रहा है, उसे जानकारी चाहिए थी। सर मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। सच बताना, एकदम सच, ये अरविंद रात भर शादी में ही था या अपनी शादी छोड़कर कहीं बाहर गया था एक आध घंटे के लिए? नहीं सर, हम तीनों पूरी रात साथ में थे मंडप में। वो सवेरे विदाई से पहले जैसे ही हमारे पास ये खबर पहुंची हरियापुर से, मैं और अरविंद सीधा निकल गए सोहन अंकल के घर। सर मैं नहीं जा पाया,
सुबह 9:30 बजे मेरी बहन की विदाई थी, इसलिए। हाँ जी, आजकल कौन से शादी में वीडियो नहीं बनता? बारात का आना, शादी की रस्म, विदाई, पूरे फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। अमिता की शादी की सीढ़ी तो अभी आई नहीं, उसके ससुराल में है। कहाँ उसका ससुराल? जी मुरादाबाद। तो मुरादाबाद से तुरंत मंगवा लीजिए। सर बारात 11:00 बजे पहुंची, फिर हम मेहमान नवाजी में लग गए, खाना वाना हुआ और रात के करीब 2 बजे शादी हुई। सर एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब अरविंद वहाँ नहीं था। ये अरविंद का पिंकी या रंजना के साथ कोई चक्कर वक्कर था? सर ये आप क्या पूछ रहे हैं, अरविंद और पिंकी का कोई चक्कर नहीं था। अरविंद की गर्लफ्रेंड है ममता, हमारे गांव की है। सर पिंकी और रंजना तो अरविंद की बहनें जैसे थी, वो लोग अरविंद, पिंकी, रंजना सब साथ साथ बड़े हुए थे। अरविंद के फादर मोहन जी से कह दो शादी की सीडी वेरीफाई होने तक अरविंद हमारे पास रहेगा। सर शादी की सीडी कल सुबह तक आएगी मुरादाबाद से। सर दिलीप और गुड्डू के पीछे एक एक बंदा लगवा दिया, खास दोस्त हैं अरविंद के, इन दोस्तों में से बचा तो नहीं रहे। शादी की सीडी आने दो, देखते हैं अरविंद फुल टाइम शादी में था या फिर बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हुआ था। दिलीप ने कहा था कि बारात 11 बजे आई थी और अरविंद ने पिंकी को 11:45 पर फोन किया था। तो शादी हो रही है, रात के शायद 2 बजे होंगे और अरविंद अभी शादी में ही मौजूद है। सर अरविंद तो पूरा वक्त यहीं है शादी में सारंगढ़ पर। और सर अरविंद को पता था कि अंकुश घर पर मौजूद नहीं है, शायद अरविंद ने ही किराए के हथियारे भेजे पिंकी के घर पे। उसका ये देखो, इन्होंने कपड़े बदले हैं, अभी इस वक्त जो शादी में इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो अलग है और बारातियों के स्वागत के समय जो इन्होंने कपड़े पहने थे वो अलग है। रिमाइंड करो। अब वापस फॉरवर्ड करो। हाँ तो आप लोगों की शादियां नहीं हुई है क्या? क्या आप लोग शादी में शामिल नहीं होते? शादी में हर दूसरा आदमी कपड़े बदलता है, मैंने भी बदले थे और दिलीप ने भी, आखिर वो दुल्हन का भाई था। और मेरा बेटा अरविंद वो भी दुल्हन के भाई जैसा ही है, दिलीप का खास दोस्त जैसे वो गुड्डू। भगवान जाने आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं, एक तो इतना भयंकर कांड हो गया और आप लोग उसे जोड़ रहे हैं मेरी बेटी की शादी के साथ, और ऊपर से सुना है आप लोग दिलीप और गुड्डू के पीछे आदमी भी लगा दिए। और मेरे बेटे अरविंद को तो क्रिमिनल की तरह बंद कर रखा है। कुशवा जी, भरत जी, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि शादियों में लोग कपड़े बदलते हैं, मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि लोग रंग भी बदलते हैं और कभी कभी रंग को छुपाने के लिए भी कपड़े बदले जाते, खास करके खून का रंग। ठीक है, साफ साफ कहिए आप चाहते क्या। कपड़े, तीनों लड़कों के दोनों जोड़ी कपड़े पूरे के पूरे चल से चलते, ये कोई दरख्वास्त नहीं है। अजीब है ये पुलिस वाले भी, मेरा गुड्डू तो अंकुश का भी खास दोस्त रहा सालों से। अरे कपिल जी, ये पुलिस वाले बौखला गए हैं, केस आगे नहीं बढ़ रहा ना, तुम्हारे बच्चों को निशाना बना रहे। कुशवा जी चुप क्यों हैं आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो कपड़े पहनकर इन तीनों ने बारात का स्वागत किया था वो कपड़े हमें घर पर मिले क्यों नहीं। ये कपड़े वो हैं जो तुम तीनों ने शादी के वक्त पहने थे, लेकिन बारात वाले कपड़े तुम तीनों के घरों में नहीं मिले। तुम तीनों के घर की तलाशी के वक्त हमें नहीं मिले। दिलीप और गुड्डू, तुम दोनों तो तलाशी के वक्त मौजूद भी थे। कहाँ भेजे कपड़े? पापू की लॉन्ड्री में। सोचा पाप के साथ साथ खून के धब्बे भी धुल जाएंगे, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। सर सर, जो बात मैंने आपके आदमी से कही थी कि अरविंद पिंकी के बारे में कुछ और भी जानता है, वो बात अरविंद ने खुद मुझे उस आदमी से कहने को कहा था। ये तो हम जानते हैं बेटा, ये बता कि कपड़े छुपाने के लिए भी अरविंद ने कहा था। सर हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसकी फैमिली को तो हम करीब से जानते भी नहीं थे,
खासकर उन दोनों बहनों को। तो तुम दोनों के कहने का मतलब यह है कि सब कुछ क्या कर रहा है अरविंद का ही है? हाँ सर, ये किसी की चाल है सर। सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। अब इन दोनों को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है। ये दोनों ये सब कुछ मुझ पर डाल रहे हैं। तो तू सच बोलते अरविंद, देख तेरी कहानी खत्म हो चुकी है। हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं था। बोल तेरे साथ और कौन था? बोले सर, यही दोनों थे मेरे साथ उस रात। अपने मजे करने आए थे सर, अपनी मर्जी से। सर इस अरविंद ने हमें बोला कुछ और करवाया कुछ और, फंसा रहा है सर हमें। अबे दिलीप, पकड़े गए हम लोग। कबूल कर लो कि तुमने अपने मजे के लिए मेरा साथ दिया। पिंकी की बच्ची को तगड़ा सबक सिखाना है। अबे अरविंद देख भाई, तेरा गुड लक है कि तेरे लाइफ में ममता है। अब जो है उसमें खुश रहना यार, फालतू में क्यों इतना लालची बन रहा है? अरे दिलीप तूने समझेगा ये घायलों की आग। देख पिंकी हमारे अरविंद भाई साहब के बाइक पे लिफ्ट लेती है, पर कभी लिफ्ट देती नहीं। सच कहूँ तो उसका नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, और ऊपर से साली मेरे पैसे निकल कर बैठी है। अरविंद, मैंने तुम्हें पहले भी अच्छे से कहा है, अब साफ साफ कह रही, मुझे तुम्हारे किसी भी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। पिंकी तुम हमेशा इतना तीखा क्यों बोलती हो मुझसे? क्योंकि तुम एक्स्ट्रा स्वीट बोलते हो, बनते हो। देखो अरविंद, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, नो, मुझे तुम्हें या किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है, अपने काम पर है। पर तुम समझते ही नहीं हो, गोल गोल जलेबी की तरह लगे रहते हो, छासनी की तरह चिपके रहते हो। बाइक पर तो खूब चिपकती हो मुझसे। मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारे बाइक पर बैठती हूँ? वो तो तुम अंकुश भैया के दोस्त हो, मम्मी पापा के सामने स्वीट बॉय बनते हो, और मैंने भी तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह समझा है, तुम्हें भाई टाइप। लेकिन तू प्रपोज करके अपना मुंह और मेरे कान खट्टे क्यों करते रहते हो? तो जब देखो तब तो मेरी इंसल्ट करती रहती हो, और ऊपर से मेरे 20,000 खाकर बैठी हो उस बंपर योजना की आड़ में। दिमाग मत खराब कर अरविंद, क्या तू भूखा मर रहा है उन पैसों के बगैर? क्या मैंने तेरे जेब में हाथ डालकर वो पैसे निकाले थे? लेकिन तू काम तो करती थी ना उस ऑफिस में, जानती थी ना तू कि वो कुत्ता दिनेश उपाध्याय फ्रॉड है? अरे कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। मैं तेरे प्रपोज करने पे तुझे डांट देती हूँ तो तू पैसों की रट लगाना शुरू कर देता है। देख मैंने तुझे कई बार कहा है कि दिनेश उपाध्याय फ्रॉड था, ये बात मुझे भी नहीं पता था। उसने तेरे साथ साथ कई लोगों को चुना लगा गया है, उसने मुझे भी धोखा दिया है। और हाँ, टेस्ट के बाद मुझे लेने मत आना, और आज के बाद से मैं तेरे बाइक पर कभी नहीं बैठूंगी। बाइक पर तो तू बैठेगी मेरी, आऊंगा मैं तुझे लेने टेस्ट के बाद। जब मैं वहां पहुंचा तो ऑटो लेकर निकल गई। इतना गुरूर साली का हमेशा के लिए तोड़ना है मुझे। यार ये सब करके क्या मिलेगा? और अंकुश तेरा दोस्त है। पर अंकुश इस वक्त यहाँ नहीं है। तो देखो यार, मुझे सिर्फ पिंकी से मतलब है, मुझे उसको सबक सिखाना है। उसकी छोटी बहन है रंजना, थोड़ी कच्ची है पर बुरी नहीं है। तुम लोग उसको एंजॉय करना, क्या कहते हो? पापा सो गए हैं, अब पेट्रोल कल सुबह ही मिलेगा। तू समझना यार, हम लड़की वाले हैं, शादी का माहौल है यार, इतने सारे काम होते हैं यार, पेट्रोल तो अभी चाहिए ना यार। और कल सुबह विदाई भी है, इतनी भागम भाग है। ठीक है, मैं पेट्रोल दुकान से निकाल कर रखती हूँ, तू घर आकर ले जा। अच्छा और तू ना बाहर वेट करना। देख मैं कोई बेल नहीं बजाऊंगा, खामखा अंकल आंटी उठ जाएंगे। जल्दी आ जा। अरविंद सारे बराती खाना खाकर आराम कर रहे हैं। सही मौका है, जल्दी वो आते हैं, थोड़ा मजा हम भी तो कर लें। ये ले, हम तीनों के फोन यहीं कहीं रूम में छुपा कर रख दें, साइलेंट पर। ठीक है। छुरे बाइक में निकाल ले, हम मेरी बाइक पर चलेंगे। कि अरविंद अपनी मनगढ़ंत भड़ास निकालने चला था, पूरी प्लानिंग के साथ छुरे हुरे खरीद कर, और तुम दोनों ने इसका साथ दिया सिर्फ मजे के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, उसे तुम लोग मजे की एक्टिविटी समझते हो? अबे दिलीप, तेरी तो बहन की शादी हो रही थी ना, उस दौरान तो किसी के मां बाप को मार के चाकू के नोक पे उनकी बेटियों के साथ गैंगरेप कर रहा था। क्या घटिया सोच रहे तुम लोगों की?
नीचल हॉल पहुंचना है। ये ले, बस चल आ जा। छुरे खरीदना, कपड़े बदलना, ये सब कुछ पहले से प्लान था या फिर उसी शाम को प्लान बना? हाँ सर था। मतलब तुम लोगों में पहले से कोई कन्फ्यूजन नहीं था, सब पहले से तय था? वो छुरे और कपड़े कहाँ है? दिलीप के घर के पीछे। इन कपड़ों की, इन छुरों की फॉरेंसिक जांच होगी, ये साबित करने के लिए कि अरविंद गुड्डू और दिलीप ने भयंकर झुंड किया है। साहब गलती हो गई उनसे। मर्डर और गैंग रेप किए हैं आपके बेटे और उसके दोस्तों ने, ये गलती नहीं गुनाह है। मानते हैं सर जी, पर जरूर इस अरविंद ने मेरे बेटे को उकसाया होगा। हाँ सर, मेरे दिलीप को भी, पर ना आज तक तो उसने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा सर। अरे सर, अब ये लोग सब कुछ मेरे बच्चे पे डाल रहे हैं सर। बस कुशवा जी, कपिल जी, भरत जी, झूठ मत बोलिए अपने आप से, इस कड़वे सच का सामना कीजिए। आप तीनों के बेटे इस घिनौने जुर्म में बराबर के साथीदार थे। अरविंद अपने आप को विक्टिम समझकर अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था, दिलीप और गुड्डू अपने अंदर की विकृति की आग बुझा रहे थे, और आपका बेटा दिलीप वो तो अपनी बहन की शादी छोड़कर इस गुनाह में शरीक हुआ। ये तीनों गुनहगार हैं जायसवाल फैमिली के, कानून के। 21-22 साल के पढ़े लिखे अच्छे घरों के इन लड़कों ने इतने विकृत जुर्म को अंजाम दिया, ये सुनकर ही सबके होश उड़ गए थे। वो लोग भी हिल गए जिनकी जायसवाल परिवार से रंजिश रही थी। गांव वाले जो अब तक जुर्म के रहस्य से आतंकित थे, अब सच जानकर मायूसी और शौक के माहौल में डूब गए। दिनेश उपाध्याय ने और कहां कहां अपनी फ्रॉड स्कीम के जरिए लोगों को ठगा और उनके पैसे लूटे, उसकी जांच हो रही है। जब एक परिवार के सफाई के केस की छानबीन होती है तो छोटी से छोटी रंजिश से लेकर पीढ़ियों की जानी दुश्मनी तक सब कुछ शक के दायरे में आता है और उसकी छानबीन होती है। पर इस केस में एक ऐसी अनबन थी अरविंद के साथ जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पिंकी को पता था, पर उसे यह नहीं पता था कि रंजिश की एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा विस्फोट करने वाली है उस पर और उसके परिवार पर। हमारी अपील है हर महिला से, हर लड़की से, हैरेसमेंट का कोई लेवल या डिग्री नहीं होती, पहली बार ऐसा कुछ होते ही तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। ये कोई लोगों में डर पैदा करने का प्रयास बिल्कुल नहीं है, बस एक सिंपल कदम है औरतों की सेफ्टी के लिए। रिजेक्शन का असर किसके दिमाग में कैसा हो रहा है यह जज करना आसान नहीं है, जैसा कि अरविंद के केस में। साथ ही किसके दिमाग में किस तरह की अमानवीय विकृति पनप रही है यह भांपना भी आसान नहीं है, जैसे कि इस केस में दिलीप और गुड्डू जो बस अपने दोस्त का साथ देने गए इन मर्डर्स में सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें क्रूर तरीके से अपनी हवस पूरी करने का मौका मिले। हर जुर्म एक आईना है, एक दर्पण है हमारे जमाने का, जो हमें दिखलाता है वो सारी चीजें जो होनी नहीं चाहिए। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।